विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने नेतृत्व किया था देश का। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उनने भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। पर अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। बर्बाद तो झारखंड को किया जा रहा है, इतना अच्छा प्रदेश, जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, इसको लूट के बर्बाद अगर किया है तो इस गठबंधन की सरकार ने किया है। झारखंड में नेताओं के यहाँ नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। 5 साल तक कुछ नहीं किया, अब चुनाव पास आ गए तो पहले नौकरियां नहीं दी, अब 10-10 किलोमीटर दौड़ा के हमारे बच्चों को काल के गाल में भेजने का काम कर रहे हैं। 2000 रुपया चूल्हा खर्च पहले नहीं दिया, अब 1000 रुपया पकड़ा रहे हैं चुनाव को देख के। 1,24,000 तो इकट्ठे देने चाहिए बहनों को, जनता ये समझती है। जल जीवन मिशन का पूरा पैसा ये खा गए, और इसलिए सच को उजागर करना है और इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ये भाजपा का संकल्प।